नमस्कार, स्वागत है आपका एचआर 71 में। इस समय मैं हूं मौजूद आज फिर से एक गांव में। घार क्षेत्र का इलाका है, गांव का नाम है कोटला। और यहां से काफ़ी मैसेज आ रहे थे, भाई की कॉल भी आई थी एक की कि हमारे गांव में भी आओ। ये मुस्लिम क्षेत्र है, काफ़ी लोग हैं यहां पर मुस्लिम समुदाय से, तो ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी, सब तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो ये लोग मेरे को देख के रुके, ये शायद मेरी भाई वीडियो देखता है, तो शुरुआत यहीं से करता हूँ। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। यहीं से लोकल है? हाँ, लोकल यहीं से। वोट है आप बना हुआ आपके? हाँ, वोट है सर। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जैसे। हाँ जी। तो सरकार चुनने का वक्त आ गया है, तो किसकी सरकार चुनना चाहेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बस कांग्रेस ही को जी। मुस्लिम हो? हाँ, मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैंडिडेट कौन रहेगा आपका? मेरी जीपाल जप्पर जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप क्या नाम है? मेरा नाम फत्ता जी। हाँ जी, फत्ता। अच्छा, तो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप भी? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। ब्रिजपाल छप्पर जी को? ये क्या इस एरिया में क्या ब्रिजपाल छप्पर जी ज़्यादा आते हैं क्या? हाँ, ज़्यादा देखभाल करा बेचारे, ज़्यादा सारी बार आई रहे ना बेचारे, बढ़ने जुड़ने पर हम आना। तो विधायक जो बलवंत जी हैं वो नहीं आते क्या? बस मतलब पीछे हटे रहा। हाँ जी, पीछे रहा, वो नहीं आते कभी। किस एरिया में काम वगैरह नहीं हुए? बस काम। किसान हो आप? हाँ, किसान है। अच्छा, और लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद भाई। तो ये हमारे साथ और लोग जुड़े, रुक जो, भाग क्यों रहे हो यार, भाग जाते हो यार कैमरा देख के। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नसीब सिंह जी। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार चुनने का वक्त है, विधायक चुनने का वक्त है, तो किसकी सरकार चाहेंगे, कौन होना चाहिए विधायक? बस तो विधायक तो सारी जो आएंगे, जैसे कांग्रेस भी आएगी, बीजेपी भी, सारी जो है लोग अपने टाइम के अनुसार देखेंगे जैसा भी होगा। फिर भी एक तो मन तो होगा ना, जैसे अपने लोकल मन तो अभी मान ले, जहर भी आवागा टाइम के अनुसार देखेगा। जो अपने विधायक जी हैं बलवंत जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है बलवंत जी, काम हो रहा है, काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अरे यार, भाग जाते हैं लोग आगे आगे पीछे, कोई नहीं, मैं भी वो मिस्त्री जी पे चलते हैं भाई पे। वीडियो यार बहुत लंबी होती है, लोग देखते नहीं हैं। ये भाई देखो, साइकिल की दुकान है इसकी, तो प्रमोशन कर देता हूँ भाई की। दुकान का नाम नहीं है? खान साइकिल स्टोर, कोटला अड्डा है ना ये? हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी, तो किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? बस चुप हो गए। नहीं, चुप क्यों हो गए? नहीं, चुप तो नहीं हुए, क्या बात है? चलो देखेंगे, ये भी तो हमने भी फैसला करना पड़ेगा। अच्छा चलो, विधायक जी जो अपने मौजूदा विधायक है, उनके विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हैं जी, जो उनके विकास कार्य हैं, काम कुम करवाए कि नहीं करवाए उन्होंने आप? ना जी, बस कुछ नहीं, काम को तो नहीं वोट डालोगे ना आप? हाँ जी। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं आप? बस जी कांग्रेस से। कांग्रेस के हैं? हाँ। मुस्लिम है? हाँ। मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं अपने, वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को ही क्यों पसंद करते हैं? हाँ जी हाँ, क्यों पसंद करते हैं? ये सबको साथ लेकर चला है जी, मुस्लिम पार्टी को भी साथ लेकर। हाँ, तो फिर आपका जो अगर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो फिर जो यहाँ पे अगर विधायक चुनने की बात करें, तो किस कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए जिसको आप चाहेंगे कि आपका विधायक बन सके? ब्रिजपाल छप्पर को देंगे वोट। यहाँ सारों ने मन बना रखा है क्या? हाँ जी हाँ जी, सब ने मन बना रखा है। हाँ। ऐसा क्या है, ब्रिजपाल छप्पर जी क्या यहाँ ज़्यादा आते हैं क्या? वो पहले भी उनको जो इलेक्शन में पीछे खड़े हुए थे ना, बहुत वोटन डाल ली थी इलाके ने। हाँ, ये भाई साहब बैठे कुछ बोल रहे हैं, ये इनको बता रहे थे पीछे से, मैं चला इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भैया, क्या नाम है आपका? सुलेमान जी। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे ना काम के, कुछ पीछे से बोल रहे थे, तो क्या कहना चाहते हैं विधायक को लेकर, यहाँ के कार्य को लेकर? ऐसा है, यहाँ पे जो ये एरिया है, इसमें ब्रिजपाल छप्पर आते हैं। अच्छा। सुख दुख में खड़े हैं लोगों के, कई जगह आग लगी है, हमारा गरीब हल्का है वहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले पीछे, हाँ, पीछे गर्मी में सबसे पहले ब्रिजपाल छप्पर पहुँचे थे। अच्छा। हर रोज आते हैं, 15 साल से लोगों के बीच में, बलवंत जी वो भी बीच में है। चलो तो से नहीं। अगर ये मर यहाँ, तो ये भावना है भी, अगर ब्रिजपाल जी हैं तो वो सबके सुख दुख में, कोई पार्टी का नहीं, कोई वो नहीं, वो सबके सुख दुख में, समाज सेवी के नाते। जो मौजूदा विधायक है वो दुख सुख में नहीं है? नहीं, वो भी आते हैं। तो फिर ब्रिजपाल जी के साथ खिंचाव क्यों है? सब लोगों का रुझान ही है, हमारे हल्के का रुझान है,
अब जैसे विधान लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, हमारे हल्के ने ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर वोट जो दिए वो कांग्रेस को दिए। अच्छा, इस एरिए में कांग्रेस का वो प्रभाव ज़्यादा है? प्रभाव ज़्यादा है, कैंडिडेट का है, देखते हैं चेहरा देखते हैं। ठीक नहीं, बोघड़ी को टिकट दे दो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों भैया? तो उनका रीज़न पता भी क्या, जब एक काफ़ी टाइम से पहली बार, चलो बलवंत भी जी अच्छे आदमी है कोई बात नहीं, हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन कांग्रेस जो एक बार बोघड़ी जी बने थे कांग्रेस के बहुत लंबे टाइम से इस विधानसभा से, 5 साल का लोगों ने मौका दिया था, लेकिन वो मौका अपने सक तक ही सीमित रह गया, आगे नहीं चल पाया। लोग उनसे नाराज़ हैं, किसी के सुख दुख में नहीं जाने थे कहीं भी। चलो अगली बार तो फिर आप ब्रिजपाल जी को ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं आगे चलता हूँ। कोटला गाँव है, यहाँ पर सर्वे कर रहा हूँ, वो देखो वो भाई खड़े तो हैं, मैं पास जाऊँगा तो भाग जाएंगे। पता नहीं क्या चक्कर है यार, मीडिया से लोग दूर दूर रहते हैं, क्या चक्कर है मीडिया से क्यों दूर रहते हैं भाई साहब? कुछ हम आप लोग हम नहीं, नहीं, कुछ नाराजगी है क्या मीडिया से? जब भी मैं आता हूँ तो आप खिंड पुंड से कुछ चक्कर क्या? चलो अब तो फंस गए कैमरे में, यूँ बताओ कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार पसंद है, जिसकी मर्जी बोल दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैमरे में देखा यूँ तो नहीं, अभी देख लेगा, मान ले बीजेपी कह दिया या कांग्रेस कह दिया तो देख लेगा बंदा, फिर लाभित ने तो वहाँ कहा था कैमरे में। नहीं नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या बताऊँ, सर्वे कर रहे हैं। चलो सारे एरिया में जा रहा हूँ, मेरी वीडियो देखना आप, मेरा HR71 नाम से चैनल है यूट्यूब पे, तो वहाँ सर्वे करता हूँ सभी गांव में, छोटे छोटे गांव जहाँ जाके पता चल सके भी किसका प्रभाव है किसका नहीं। ठीक है ठीक है। विधानसभा, अब आप बताइए कि अगर आपके क्षेत्र से अगर चाहें, पहले तो सबसे पहले जो मौजूदा विधायक है उसके कार्यों के बारे में बताओ। उसे करे क्या हमारे 5 साल 10 साल जितने से भी राज कर रहे हैं, कैसे कार्य करवाए उन्होंने? बस खास भी नहीं, नहीं खास नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं है बस ऐसी है, सेटिस्फाई नहीं है। मतलब अब फिर किस किस को चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट जो MLA हो? MLA से कोई भी होगा, मान ले मौके पर देखे ही सेटिस्फाई कर जाएगा। अभी तो आप कहाँ से हो? मैं यूरिया है। आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी बाहर की लग रही है। हाँ, तो मैं कोलकाता का। हाँ, कोलकाता बंगाल की बोली बोल रहे हैं। मैं थोड़ा समझ आता हूँ ना मैं भी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी यहीं पर वोट रहे हैं आप? मैं तो सारे को सही बना। कितने साल से हो आप? 15 साल हो गया। तो अब किसकी सरकार बंगाल में? तो फिर पक्का वो हमारा उतार गया बेचारा। फिर क्या यहाँ पे, क्या आपको किस कोई कैंडिडेट आता है आपके, जानते हो किसी को यहाँ पे? ये तो आंधे नहीं, बाकी आंधे सब जिन्हों बुलाते वही आते हैं घूमने फिरने के लिए। नहीं तो फिर भी बीजेपी तो चलो देख ली, बीजेपी तो मान ले एक बार बनाएगा देख ली, दूसरी बार देख रहे कांग्रेस बनने अच्छी बात है कुछ। आप भी कांग्रेस? हाँ जी हाँ जी, बोली दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो ये भाई पश्चिम बंगाल कोलकाता के साथ, इसकी लैंग्वेज से मुझे पता चल गया कि भाई है, ये देखो लड़के खड़े हैं यूट्यूब पे। चल एक बंदे से पूछ लेता हूँ भाई। राम राम जी। राम राम जी। ओ सॉरी सॉरी, पैर दब गया भाई का। वोट है? हाँ जी है। किसकी सरकार चाहेंगे अब की बार सर? विधानसभा में ऊपर बीजेपी है, नीचे बीजेपी आनी चाहिए। कार्य करवाए बलवंची ने? हाँ जी, अपने गांव में तो है। आप भाई जी? बीजेपी के अलावा? हाँ जी भाई, बीजेपी भाई। वाह, बीजेपी। हाँ जी, हम कांग्रेस के साथ। अला भाई, इकल्ला कांग्रेस का खड़ा। कांग्रेस ही क्यों? जो यहाँ पर चौधरी ब्रिजपाल हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, और यहाँ पर मैं। आप सारों को बलवंत जी पसंद है? सारे पसंद है सारे उनको? नहीं जी, बलवंत जी तो नहीं पसंद है। बीजेपी मोदी की तरफ है। मोदी थोड़ी आएगा यहाँ पे MLA बनने? वो तो नहीं आने का जी, फिर भी कार्य तो नहीं कहने पाएगा ना जी। तो फिर विधायक कौन चाहिए? नया विधायक चाहिए कि बलवंत जी चाहिए? नहीं जी, विधायक तो बीजेपी को है, पर विधायक कौन होगा? बलवंत नहीं है तो? बलवंत नहीं है तो कोई और तो ही। कोई और कौन है नजर में आपके? नहीं जी, अभी तो कोई। दाताराम का नाम सुना है? हाँ जी। वो कैसा है सर? वो सुना था जी नाम, पर आया नहीं कभी यहाँ पे। चलो ठीक है जी, कोटला पहुँचो। हाँ जी, आप कांग्रेस से जुड़े हैं? हाँ, कांग्रेस से जुड़े। किस बात को लेकर कांग्रेस अच्छी है? कि ब्रिजपाल अच्छा कार्य करते हैं और अच्छा। ब्रिजपाल अच्छा है कि कांग्रेस अच्छी है? ब्रिजपाल अच्छा है। हाँ, ये बात है ना, ब्रिजपाल के चेहरे को जुड़े हैं। हाँ जी, ब्रिजपाल। यहाँ काफी लोग ब्रिजपाल को जानते हैं ना, सभी लोग बोल रहे हैं। काफी लोग जानते हैं। चलिए, ब्रिजपाल जी का है ये भाई, 3 बीजेपी के थे। चलो आगे सर्वे करते हैं, अनकट निष्पक्ष सर्वे, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा कतर। ये देखो मुस्लिम भाई खड़े हैं यहाँ पर, देखो 3 टोपी वाले भाई हैं, इनसे पूछूंगा जरूर क्या कहना है इनका, किसको लेना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बढ़िया जी। वोट है आपका? नहीं जी। वोट नहीं बना आपका? है वोट? नहीं।
कितने के हो? 17 के। अरे तेरा तो भाई छोटा ही है तुम। चलो वोट नहीं है फिर भी पूछे, सरकार किसकी पसंद है? कांग्रेस की। अरे वाह, कांग्रेस के ऐसा क्यों यार? अभी जरा वोट नहीं बना तो पहले ही कांग्रेस की सपोर्ट कर रहा है? तो पसंद तो नहीं दिया ना अपनी चॉइस। मोदी जी अच्छे नहीं है? अच्छे हैं। तो फिर मोदी भाई देखो अभी भाई का वोट नहीं है, चॉइस अपनी होती है जी। अभी भाई का वोट नहीं है फिर भी एक कांग्रेस का वोट है यहाँ पे। तो अगर मान लो आपका वोट है, मान लीजिए आपका वोट है, तो किसको वोट डालोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पे MLA के लिए कौन है यहाँ जी? सोच के बताओ। क्या है नहीं जी? पता नहीं अभी यहाँ क्या ही नहीं है जब। अच्छा, पर फिर भी कांग्रेस पसंद है। थैंक यू भाई, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। एक खान साहब और बैठे हैं, ओ लो मुड़ गया, पीछे मुँह कर लिया उन्होंने। राम राम जी, सलाम वालेकुम जी, इधर मुँह कर लो, आ जाओ। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी, MLA चुनने का समय है, मुख्यमंत्री चुनने का समय है, तो क्या चाहते हैं? सर्वे कर रहा हूँ गाँव दर गाँव, हर गाँव में जा रहा हूँ। HR71 हमारा चैनल है तो उसके लिए सर्वे कर रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं जी, उसकी सरकार बननी चाहिए जो आपस में भाईचारा कायम करे। हाँ, BJP वालों की तरह थोड़ी भी पूरे देश में उन्होंने क्या नाम लेकर आपस में लड़ाई, आपस में एक दूसरे को पाट दिया। कैसे पाड़ा जी, थोड़ा बता दें। बस देख लो आप पूरे देश में तबरेज़ के साथ क्या हुआ। अच्छा। हाँ, इस बात से आप खफा हैं? हाँ खफा हैं इससे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। दोनों फ़ोन बज गए मेरे। चलिए जी, और किस बात से खफा है तबरेज के अलावा? बहुत, किसी भी चीज़ की, कोई भी पूरी उसमें पूरे देश के अंदर कोई भी किसी जगह का नाम मुस्लिम हो है, किसी गांव का, किसी शहर का नाम सब बदल दिए गए। जैसे कि मुस्तफ़ा बाद, सरस्वती नगर, हिजराबाद, प्रताप नगर। भाई इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी धर्म से चेंज करके उसका नाम बदलने से विकास नहीं होगा जी। जी इससे नहीं होगा, इससे आपस में फूट डाल दी पूरे देश के अंदर। कोटला का बोटला बना दूंगा तो विकास नहीं जी, इससे नहीं होगा। सही बात है। अब बिलासपुर का, खलासपुर का, यही चंडीगढ़ का, बंडीगढ़ बना दूं। देखो जो काम करना है वो काम करना चाहिए, जो विकास का काम है ना वो काम करना चाहिए, ये नाम बदलने से क्या? आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद जाकिर है जी। मोहम्मद जाकिर जी ने जो बोला है मेरे दिल में भी, मेरे को अच्छा लगा कि नाम नहीं बदलने चाहिए, चाहे वो नाम बदलने से क्या होगा। जी जी, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जी। तो ये कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती जी जी, मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को आहत जी जी, इससे बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा आपस में, हाँ बहुत ज़्यादा बिगाड़ हुआ। ऐसे आपके मन में ये फ़र्क है, हिंदुस्तान में करोड़ों हैं मुसलमान भाई जी जी, तो उनके मन में भी फर्क होगा ये चीज़ के लिए। तो मैं सभी मुसलमान भाइयों के साथ हूँ। देखो जी, हम दोनों जहाँ भी मान ले, चल BJP मेरा फ़ोन बहुत बज रहा है। हाँ अच्छा बोलो, BJP तो मान ले देख लिया एक बारी, एक चाण दे दिया, अब अगर कांग्रेस का चाण था, मान ले यहाँ ब्रिजपाल छप्पर है हमारे, तो ये सारा जो एरिया है मुस्लिम एरिया है क्या यहाँ पे, जिस गाँव में मैं खड़ा हूँ? हाँ, आंटी है हमारे साथ, आंटी से पूछ। बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आंटी जी, वोट किसको पाओगे? अब ना चुनाव आ रहे हैं जैसे विधायक के, पता होगा क्या? पता, वोट नहीं डालते आप? डालता है भी। नहीं, वोट डालते हो? डाल। हाँ जी, वोट डालते हो? देखेंगे। मोदी सरकार कैसी है, कांग्रेस सरकार कैसी है? कांग्रेस सरकार कैसी है? ठीक होगी बेचारी, दोनों ठीक है। चलिए आंटी जी कह रहे हैं दोनों ठीक है, कोई बात नहीं यार, फोन बहुत बज रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये फ्रूट वाला भाई है, कुछ बताओगे कुछ? वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना, इसलिए जल्दी जल्दी मिनट बैठ। ब्रिजपाल की वाणी छप्पर की बॉर्डर, ब्रिजपाल की। ओ यार, यहाँ भी ब्रिजपाल, ब्रिजपाल जी ने पूरा यहाँ पे हाईजैक किया हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। वहाँ पे बैठे हैं, ये जो क्षेत्र है कोटला, यहाँ पे तकरीबन 90% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जिधर देखोगे आपको मुस्लिम भाई बहन सब दिखेंगे इनके। मेरे को बीच में जगह दोगे थोड़ी बैठने के लिए? थोड़ा थोड़ी सी, बस 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 बस, आप बैठो बैठो बैठो। अरे आपको उठा के नहीं मैं बैठता? नहीं, नहीं, ना बैठो पहले, मैं आपसे तो सवाल करना था। कोई ना। क्या नाम है आपका? मेरा वेद प्रकाश। अच्छा, अगर सरकार चुनने का वक्त आ रहा है, अब हरियाणा में अपने विधानसभा जैसे चुनाव आ रहे हैं, विधायक जी चुनने हैं, तो क्या कौन सी सरकार चाहेंगे? मोदी जी, मोदी की सरकार। जो अपने विधायक जी हैं वो कैसे काम करते हैं? यहाँ पे काम वगैरह हुआ? काम हुआ, बहुत काम हुआ। तो कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई जी क्या कुछ कहना चाहते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, जब सर्वे कर रहा हूँ गाँव दर गाँव, क्या कहना चाहते हैं? किसकी सरकार चाहिए आपको? यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चाहिए जी हमारे को। कैंडिडेट तो ब्रिजपाल छप्पर कहोगे ना? हाँ, पिंकी छप्पर ही है जी। पिंकी छप्पर, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप जी? पिंकी छप्पर जी।
वो तो पूछेंगे शायद। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। कर ली थी मैंने पहले बात। होगी बात? अच्छा, मेरे को पता नहीं लग रहा। दुकानदार जी से पूछेंगे, दुकानदार जी से पूछेंगे। हाँ जी, सत श्रीकाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? किसकी सरकार आनी चाहिए, विधायक कौन होना चाहिए आपके लिए? टाइम होगा वैसी बात करेंगे जी। नहीं भी तो टाइम के, दुकानदार आदमी बहुत उस तरीके से जवाब देता है ना। नहीं, टाइम के हिसाब से बात होगी ना जी। चलो ये बता दो, मौजूदा विधायक जो है वो कैसे है? ठीक है विधायक। 10 में से कितने नंबर दोगे? हम दोनों 10 के 10 ही देंगे जी। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। चलिए, आपने भी जवाब दे दिया। वहाँ एक, अब आगे चलूँगा। हाँ जी, युवा भाई मेरा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहते हैं भाई? वो कह रहा जीरे सबल लिखड़ी चाहिए। पिंकी छप्पर। पिंकी छप्पर क्यों? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। हाँ जी, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। कहे के बारे में पूछ रहे आप? आपने पिंकी छप्पर ही क्यों कहा? इलेक्शन के बारे में। हाँ, इलेक्शन के में किसकी सरकार चाहिए, विधायक कौन होना चाहिए? पिंकी छप्पर है। ऐसा क्यों है, क्या कार्य पसंद है उनके? पहले भी उसी को वोट पाई है। अच्छा, पीछे भी पाई थी क्या? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। बाजार ख़त्म हो गया यार वहाँ पे। आपसे बात हो गई मेरी? नहीं हुई ना, क्योंकि ना बुरा मत मानना भाइयों, मुझे सब भाई एक जैसे ही लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या करूँ, सब एक जैसे लग रहे हैं मुझे भाई। सलाम जी। ये थोड़ा एक मिनट बैठने की जगह दो मुझे, यहीं ख़त्म करूँगा वीडियो को आपके साथ। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी, उसको लेकर सर्वे कर रहा हूँ, किसकी सरकार चाहिए। यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र बहुत है आपके एरिए में, तो इसलिए मैं आज आया था स्पेशली इस गांव में सर्वे करने के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? यहाँ तो कांग्रेस सरकार होनी चाहिए, इसी में चाहते हैं सारे। और जो कैंडिडेट किसको चाहिए? ब्रिजपाल को कांग्रेस। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस को पसंद क्यों करता है, ऐसा क्या कार्य है? बस यह सारी पार्टियां लेकर चलने वाली, जोड़ कर लेकर चलने वाली, तोड़ नहीं कर दिया है और पार्टियां करा तोड़। या बीजेपी से खफा खफा किस पास? वो तोड़ करा हुआ, जाति पात पर चला, जाति पात में चल दिया, चला सारा लेकर पार्टी ने, जितनी पार्टी लोकसभा में सब लेकर चलने वाली है पार्टी। इतनी जी तो कम करो, ज्यादा करो, काम की बात नहीं है, मुल्क जोड़ कर चलाने वाली है। पीस करा लोकसभा में तो बहुत तगड़ी हार हुई थी कांग्रेस। हाँ, हार वोट कहाँ गए फिर? वो हार तो नहीं हुई ना वो। आपने किसको वोट डाला था? हाँ जी, अभी लोकसभा में किसको डाला था वोट? हमने कांग्रेस को डाला था। तो वोट कहाँ गए वो सारे के सारे आप लोगों के? मुस्लिम वोट बहुत है इंडिया में, बहुत वोट आई जी। क्या पता अभी क्या फर्क आया, क्या होता है वोट तो यहाँ से तो एक डबी कांग्रेस की वोट पड़ी थी एक पूरे चूट। तो फिर भाजपा का गिनती में फिर रही नहीं, कम होगी फिर क्या पता क्या बने। तो हम तो वहाँ थे ही नहीं मौके पर जो। अब क्या लगता है आपको, अब जो लहर इतनी चल रही है बीजेपी की, कि कल लहर तोड़ पाएगी कांग्रेस? हाँ, तोड़ पाएगी, इस हाल से तोड़ पाएगी। जैसे मतलब ये तोड़ रहा ना जो ये इसको और कोई नहीं काम, तो जो करना करना नहीं करना। तो ये जो जितने भी मुसलमान क्षेत्र अपने एरिया में, वो सब मुस्लिम जो है भाई हैं वो कांग्रेस की तरफ ही रुख करेंगे? हाँ जी, सब कांग्रेस की तरफ। आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? हम भी कांग्रेस के। मतलब कि मुस्लिम में एक एकता बहुत है, अगर एक समुदाय ने बोल दिया कि उधर जाना है तो उधर ही जाएंगे, उधर ही जाएंगे सारे, उधर ही। हमारे सिखों में चलो इतना नहीं है, पर मुस्लिम कट्टर सिख भी सर जहाँ से सिख अब सारी पार्टियों में जा चुके हैं। हाँ, बाकी हमारा तो अकाली दल में देंगे वोट, कोई जेजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। चलिए जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इस वक्त तो मैं था कोटला में, यहाँ पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डर के नहीं, आराम से तब डर गया था एकदम, डर गए थे मैं चैनल से हूँ, मैं सर्वे कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार पसंद है? ठीक है, अभी होते हो भी ठीक है, अभी और क्या जाना है यार। कौन सा गाँव है आपका? पिपली वाला। तो सरकार किसकी पसंद करेंगे? सरकार आगे कांग्रेस को या कोई और अन्य पार्टी, जेजेपी या इनेलो? नहीं, ठीक है, यही ठीक। विधायक जी जो अपने बिलवंत जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, 10 में से अगर कितने अक्षर देना चाहेंगे, मतलब कितने नंबर देंगे 10 में से काम को लेकर? पिपली वाला में काम वगैरह हुए सरकार में? वैसे पहले तो अपना गाँव थी इसकी इनेलो पार्टी की, पर इधर नेलो पार्टी खत्म हो गई ना। हाँ, तो अब फिर क्या लगता है बीजेपी से अगर अपना ये जीत गया है? ठीक है, आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस को? बीजेपी की करा गए, बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद, किसान हो आप? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो सर्वे था कोटला गांव का था, सारा का सारा मैंने आपको दिखाया, लोगों से जाना, मुस्लिम भाई ने अपनी शिकायत की कि धर्म को बांटते हैं, नाम चेंज कर दिए देश का, गांव के नाम चेंज कर दिए। चलिए, आगे अगले गांव से मैं पहुंचूंगा आपके गांव में,
कमेंट बॉक्स में अपना गांव लिखिए, अगर मुझे अच्छा लगा गांव में जनसंख्या के आधार पे मैं जरूर आऊँगा आपके गांव में सर्वे करने के लिए। देखते रहिए HR71, मैं आपका प्यारा सरनजीत सिंह, धन्यवाद।